नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अपने चैनल शुक्ला ट्रैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि ट्रैक्टर के अगले पहिए की बैरिंग किस तरह लगती है। जो पहली बार अगर बैरिंग फूटती है, अगर ट्रैक्टर आप चला रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी होता कि बैरिंग किस तरह लगती है। देख लीजिए, ये बैरिंग हो गई। अब बैरिंग मैं सेट कर रहा हूँ। देखिए, ये बैरिंग है। मेरी बैरिंग आज फूट गई थी, मैं आज लाया हूँ। अभी शाम हो गया है, लेकिन मैं बैरिंग को फिट कर रहा हूँ। पहले जग पे करके उसके बाद मैं टायर को निकाल दिया हूँ। ये है टायर। ये ट्रैक्टर स्वराज 744 है। अब निकालने के बाद मैंने बैरिंग को फिट कर लिया। पहले आयल सील लगा दिया हूँ। आयल सील भी बदलना पड़ता है जब बैरिंग फूटती है। तो आयल सील लगाने के बाद मैं बैरिंग को फिट कर दिया हूँ। ग्रीस बैरिंग पे ग्रीस लगा दिया हूँ। अब ग्रीस लगाने के बाद में हम इसे अंदर ठोक के अंदर अपनी जगह पर कर देंगे, कि अगर अपने साइज पर नहीं बैठेगा तो दिक्कत करेगा मुझे। ये देखिए, अपने अंतिम छोर पे से बैठा देना है। उसके बाद फिर ग्रीस लगा के तब फिर टायर को फिट किया जाता है। करिए, इसको ठोकिए। देखिए, मैं भी ठोक के बैठा रहा हूँ। मैं बैठा रहा हूँ ठोक के। ये देखिए, ठोक के मैं इसे बैठा दिया हूँ। अभी अपनी जगह पे सही हो गया है। ये देखिए, बस इसमें ग्रीस। चकनेट। अब देखिए, बैरिंग बैठ गई दोनों। अब चकनेट लगेगा इस पे। ये हो गया चकनेट। Thank you.
देखिए बैरिंग लगकर कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह 744 के अगले पहिए में बैरिंग लगती है। अब इसमें बस खाली चकनेट लग गया है, उसमें पिन लगा देना है, बस अब पूरा कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे दर्शकों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।